अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमतों में फिलहाल तेजी है। किसानों को टमाटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं, पर कोयम्बंटूर में किसान टमाटर को हाईवे पर फेंक रहे हैं। दरअसल यहां के किसान टमाटर की कीमतों में अचानक आई तेज गिरावट से निराश थे। इसके कारण किसानों ने एक टन टमाटर को फेंक दिया। यहां पर 15 किलो के टमाटर के कैरेट का सिर्फ 50 रुपये उन्हें मिला। इतना सस्ता होने के बाद भी कोई खरीदार नहीं आया। इससे निराश किसानों ने टमाटर को वहीं राजमार्ग पर फेंक दिया। किसानों को टमाटर से बेहतर कमाई की उम्मीद थी, पर उन्हें निराशा हाथ लगी, वहां अचानक रेट कम हो गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टमाटर किसान ने कहा कि उन्हें टमाटर की खेती से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए प्रति एकड़ 75,000 रुपए तक खर्च किए थे। उन्होंने उम्मीद की थी कि अगर अपनी उपज को 15 रुपए प्रति किलो की दर से भी बेचते हैं तो उन्हें लाभ होता, पर अचानक कीमतों में कमी आने के कारण कोई भी खरीदार उस कीमत पर टमाटर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण उन्हें नुकसान हो रहा है, इसलिए अब टमाटर को डंप करने के अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं है। यही वजह है कि वो टमाटर को सड़क पर फेंक रहे हैं। टमाटर की कीमत में कमी आने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बिचौलियों या बाजार एजेंट के माध्यम से जाने की बजाय सीधे खुदरा उपभोक्ताओं को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसान टमाटर बेचने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि यहां के धर्मपुरी इलाके में 9,300 एकड़ में टमाटर की खेती की गई। वहीं जिले में टमाटर का सालाना औसत उत्पादन 60 टन से अधिक होता है। अब यहां पर दाम कम हो जाने के कारण किसान के सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि वो वाहन किराए पर लेकर घर घर घूमकर टमाटर बेच रहे हैं। वहीं बता दें कि करीम गलम के किसान ने कहा कि पिछले महीने टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, 70 से 80 रुपए प्रति किलो का रेट था। इसे देखते हुए किसान टमाटर लगाने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। वहीं किसानों ने नई किस्म के टमाटर लगाए, जिससे बेहद कम समय में अच्छी पैदावार मिली। इससे किसानों को अच्छी पैदावार तो मिली, पर टमाटर के दाम गिर गए। किसान बताते हैं कि फिलहाल थोक खरीदार उन्हें टमाटर के 5 से 6 रुपए प्रति किलो की दर से पैसे दे रहे हैं, कहीं कहीं पर रेट इससे भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।